नमस्कार, मैं जूही शर्मा। मैं पूजा सौरोथ। आप देख रहे हैं BVM न्यूज खबर 24। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ तमाम खबरों की ओर। पलवल में कुमारी शैलजा का भाजपा पर कटाक्ष, कहा 15 लाख काला धन जनता के खाते में जाता तो गरीबी दूर हो जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने वादे पूरे कर देते तो आज 15 लाख का काला धन जनता के बैंक में खाते में डाल देते तो आज गरीबी दूर हो जाती। झूठ की यह सरकार अब राम का नाम लेकर जनता को गुमराह कर रही है, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बीते शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने गदपुरी टोल प्लाजा के समीप आयोजित जनसभा में यह बात कही। केजरीवाल के आवास लगातार दूसरे दिन पहुंची क्राइम ब्रांच। MLA खरीद फरोख्त मामले में देगी नोटिस। दिल्ली CM ने BJP पर विधायक खरीदने के लिए आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम शनिवार को लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली CM को नोटिस देगी। अमेरिका का इराक सीरिया में 85 ईरानी ठिकानों पर हमला, 30 मिनट में 7 जगहों पर मिसाइलें दागी, 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लिया। फुटेज इराक के अल कैम इलाके का है, इसमें अमेरिका की तरफ से दागे गए रॉकेट दिख रहे हैं। शिवसेना नेता को गोली मारने वाले BJP विधायक गिरफ्तार, SIT जांच करेगी, संजय राउत बोले। आरोपी ने CM का नाम लिया, वे इस्तीफा दे। शिंदे गुट के शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ लालघेर में वारदात के बाद अस्पताल ले जाया गया, ये फुटेज उस वक्त की है। कानपुर में सुनील गावस्कर की सास का निधन, विशाखापट्टनम के मैच की कमेंट्री छोड़कर देर रात पहुंचे ससुराल। भगवत दास घाट पर होगा अंतिम संस्कार। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की सास पुष्पा मेहरोत्रा का शुक्रवार को कानपुर के निवास पर निधन हो गया। उनके साथ उनकी छोटी बेटी मासू रहती थी। वहीं सूचना मिलते ही सुनील गावस्कर की पत्नी मार्शनल शाम को ही अपनी माँ के घर पहुँच गई। UP वर्सेज असम रणजी मुकाबला, UP ने खोए 3 विकेट, आर्यन जुल ने जड़ा दोहरा शतक। करंट 150 के पार्क ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में यूपी व असम के बीच चल रहे रणजी मुकाबले के दूसरे दिन शनिवार को सुबह 9 बजे फिर मैच शुरू हुआ। यूपी की टीम ने स्कोर 319 से आगे बढ़ना शुरू किया। क्रीज पर आर्यन जोल व करण शर्मा की जोड़ी उतरी। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा का आज तीसरा दिन, 2 दिन में 90 परीक्षार्थी निष्कासित। पहली पाली में फिजिक्स तो दूसरी पाली में बिजनेस स्टडी की परीक्षा। बिहार का बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का तीसरा दिन है। आज पहली पाली में फिजिक्स और दूसरी पाली में बिजनेस स्टडीज और ज्योग्राफी की परीक्षा है। परीक्षा केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है। मणिशंकर अय्यर को घर खाली करने का नोटिस, उनकी बेटी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था। RWA बोला सार्वजनिक माफी मांगे। 20 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का फेसबुक पर पोस्ट कर विरोध किया। रूफ टॉप सोलर से हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली, 1 करोड़ परिवार को मिलेगी सुविधा। 1 फरवरी को पेश हुए अंतिम बजट में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई घोषणा हुई है। इसके तहत रूफ टॉप सोलर के जरिए 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। हालांकि ये कैसे होगा इसके बारे में सरकार ने भी जानकारी नहीं दी है। इंसानी दिमाग में चिप लगाई, मास्क बोले पेशेंट की रिकवरी बेहतर। पैरालिसिस का मरीज चल फिर सकेगा, दृष्टिहीन देख पाएंगे टेस्ला के मालिक। एलोन मस्क के स्टार्टअप न्यूरोलिंक ने इंसान के दिमाग में सर्जरी के जरिए चिप इम्प्लीमेंट की है। यह डिवाइस एक छोटे सिक्के के आकार का है जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BVM न्यूज खबर 24। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।